हेलो अभिमन, नमस्कार सभी को। मैं मुकेश कटारे। एमपीपीएससी इसके मुख्य परीक्षा के लिए हमने स्टार्ट किया था पेपर वन का पार्ट ए आप लोगों की डिमांड पर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पुनर्जागरण क्या होता है और पुनर्जागरण के पीछे कारण क्या थे, उन सब चीज़ों को कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे बताएंगे कि पुनर्जागरण के प्रभाव क्या थे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे और पुनर्जागरण या रेनेसा इटली से ही क्यों प्रारंभ होता है, इसको हम देखेंगे। इसके पहले मैं एक और जानकारी आप सबको दे देता हूँ कि इसी प्रकार से कुछ कोर्सेस हैं जो हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन लेक्चर को आप अनअकैडमी प्लस जो प्लेटफॉर्म रहता है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर यदि हमारा ये रेफरल कोड मुकेश कटारे आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है और उसमें 500 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर थ्री इसका पार्ट बी यानी इकोनॉमिक्स के लाइव लेक्चर रहते हैं, पेपर टू इसका पार्ट ए जो पॉलिटी है उसके लाइव लेक्चर रहते हैं। अब देखें इसमें जो रेनेसा क्यों हुआ, क्या ये तो सब क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके परिणाम। जब आप परिणाम लिखेंगे तो आपको करना क्या चाहिए, तो परिणामों को लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे लें कि हमें कुछ इस प्रकार की हेडिंगों के अंतर्गत उन परिणामों को लिखना है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में क्या परिणाम हुआ, कला के क्षेत्र में क्या हुआ, साइंस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, ठीक ऐसे कुछ हेडिंगों में। यानी जब आप आंसर लिखेंगे तो उसका एक फ्लो चार्ट जरूर बना लें। फ्लो चार्ट जब बनता है तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देता है। सब कुछ सारा कुछ मैटर है प्रेजेंटेशन का, प्रस्तुतिकरण का। जिसका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा मैटर सबके पास होता है, लेकिन बस उस मैटर को जिसने अच्छे ढंग से सजा के दे दिया वहीं पर जो वैल्यूअर है वो आपको ज़्यादा नंबर दे देता है, राइट। तो ऐसी कुछ हेडिंगों के अंतर्गत हम उस परिणाम को लिखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा। स्थापत्य कला क्या होती है, आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं, तो आर्किटेक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझो कि मध्ययुगीन जो एक कला की शैली होती थी गॉथिक शैली, जितने भी आर्किटेक्चर बनते थे उस स्टाइल में बनते थे, अब उसको रिप्लेस करते हैं और उसमें क्या यूनान के भी एलिमेंट ले लिए, इसमें अरब जो था उसके भी एलिमेंट ले लिए, रोम था उसकी शैलियों को भी समन्वित करके एक नई स्थापत्य कला, एक नई एक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसका अब उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगी। इसका और एग्जांपल देना चाहो तो वो दे सकते हो, यानी इस नई स्थापत्य कला में क्या किया गया, इसमें श्रृंगार सज्जा अलंकरण मेहराब इन सब का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब कौन कौन उस समय के प्रमुख आर्किटेक्ट थे उनके नाम भी अगर आप दे पाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता, राइट है। जैसे यहाँ पर ब्रैंडलेस्की थे, जियोबर्टी थे, माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो ने तो रोम का जो सेंट पीटर चर्च है वो बनाया हुआ था। इस प्रकार से हमने एक हेडिंग डाली और हेडिंग के अंतर्गत जो मेन बातें थी वो उसमें हमने कंप्लीट कर ली, राइट। इसके बाद अगला हम देखते हैं मूर्तिकला, यानी मूर्तिकला पर क्या प्रभाव पड़ता है रेनेसा या पुनर्जागरण का। तो इस काल में जो जियोबर्टी, डोनातेल्लो, माइकल एंजेलो, ये कुछ प्रमुख मूर्तिकार थे, इनके नाम आते हैं, है ना। जैसे माइकल एंजेलो ने डेविड और पियथा नामक प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई, जो आज भी ऐसा माना जाता है कि इसमें सिर्फ मूर्तियां नहीं है, पूरी कला को इन्होंने जीवित करके रख दिया गया, ठीक। मूर्तिकला हो गया। इसके बाद और हेडिंग डालना चाहो तो चित्रकला पे आ जाओ, कि पेंटिंग के लिए यहाँ इस दौर में क्या व्यवस्थाएँ चल रही थी। तो होता ये था कि रेनेसा से पहले जो चित्र बनाए जाते थे उस चित्रों में रियलिटी का अभाव रहता था, यानी रंगों का सही प्रयोग नहीं किया जाता था, अंगों का सही आकार नहीं बनाते थे, उसको देखते ऐसे लगता था जैसे आर्टिफिशियल हो, यानी कृत्रिमता ज़्यादा झलकती थी। तो अब रेनेसा के बाद ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, यहाँ पर ह्यूमन बेस्ड यानी मानवतावादी चित्र बनाए जाते हैं, रंगों का ठीक प्रयोग किया जाता है, जो उसके जैसे अंग हैं उनको उसी ढंग से दिखाया जाता है, यानी सजीवता और स्पष्टता देखने को हमें मिलती है, ठीक। अब यहाँ पर भी आप कुछ चित्रकारों के नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जैसे क्या
के लियोनार्डो दा विंची, इनका तो बहुत फेमस नाम है। फिर इनकी कृतियाँ है द लास्ट सफर, मोनालिसा, मोनालिसा तो इतनी पॉपुलर है कि आज भी इसको बहुत ही रहस्यमय पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। जो ध्यान रखोगे, नहीं रख सकते तो क्या कर सकते हैं, रट्टा मारो और आगे बढ़ जाओ। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं कि माइकल एंजेलो, ये भी काफ़ी पॉपुलर थे, उनके द्वारा लास्ट जजमेंट नामक जो पेंटिंग बनाई गई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे विश्व में। ठीक, अगला संगीत कर क्या प्रभाव पड़ा वो भी देख लेते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में कि पहले जो संगीत था तो उसमें अंतर आया, धार्मिक और लौकिक संगीत में जो डिफरेंस होता था वो अब डिफरेंस कैसा हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो दीवार थी कि नहीं ऐसा है ऐसा कुछ नहीं हो गया, नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की खोज की जाती है, जैसे वायलिन की खोज रेनेसा के बाद ही हुई है ना, ओपेरा की शुरुआत, ओपेरा जिसमें अलग तरीके का है, जो हम लोगों को तो पसंद नहीं आता है लेकिन काफ़ी कुछ ये इंटरेस्टिंग है, उनके लिए उनकी शुरुआत होती है। इनके भी कुछ एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, पॉलेस्ट्राइना, मॉस्किन नामक कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उल्लेखनीय योगदान दिया था। राइट, इसके बाद अब हम देखते हैं साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साहित्य यानी इसको लिटरेचर, तो उसके प्रभाव को थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं। अब होता यह है पुनर्जागरण के बाद कि विदेशी भाषाओं का भी विकास हुआ, साहित्य की जो पहले सब्जेक्ट मैटर था वो सिर्फ और सिर्फ धर्म था, रिलीजन, अब उसके स्थान पर शिफ्ट कर जाते हैं किधर, यानी मनुष्य के जीवन पर आधारित कहानियाँ लिखी जाती हैं। पहले सिर्फ राज दरबार, राज परिवारों की ही कहानियाँ लिखी जाती थी, अब वो विषय चेंज हो गया, किसी के भी बारे में ऐसी बातें लिखी जा सकती थी। साहित्यिक शैली राजाओं की प्रशंसा के स्थान पर हास्य, व्यंग, इन सब से जुड़ जाती। ठीक, पहले सिर्फ कविताओं की रचना होती थी जिसे हम पद्य कहते हैं। ठीक, अब उसके यहाँ पर क्या आ गया, गद्यांश यानी निबंध स्टाइल में, पैराग्राफ स्टाइल में ये सब चीज़ें बदल गई। और साहित्य की एक नई शैली आलोचना, आलोचनात्मक साहित्य क्या होता है, तथ्यों के आधार पर किसी भी बात की कमियाँ निकालनी, बुराई करना, यानी कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, कोई भी ग्रंथ लिखा हुआ है तो अब उस ग्रंथ की आलोचना करते हुए भी ग्रंथ की रचना की जा सकती है। ठीक, ऐसे हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इटली में बहुत ज़्यादा फेमस थे दांते, इन्होंने क्या लिखा, डिवाइन कॉमेडी नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक, यहाँ पर एक और नाम आता है पेट्रॉक, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने फैमिलियर्स लेटर्स लिखा जो पूरा का पूरा किस विचारधारा पर आधारित है, मानववादी विचारधारा पर आधारित होता है। इसके बाद बोकैसियो का नाम आता है, इन्होंने डेकमोरान नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 100 कहानियाँ हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ गद्यांश भी कहते हैं, यानी गद्य का इन्हें पिता कहा जाता है। ऐसे ही कुछ एक नाम और दे सकते हैं, मैकियावेली, मैकियावेली इनको तुलना करते हैं हम किससे, कौटिल्य से, कौटिल्य ये भी प्रशासन के बारे में इनके बहुत ज़्यादा सिद्धांत चलते हैं, जैसे इनका प्रशासन के बारे में कौन सा सिद्धांत चलता है, सप्तांग सिद्धांत चलता है ना, तो इनकी किताब जो थी मैकियावेली की द प्रिंस, तो ये राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ था। कौटिल्य की किताब कौन सी है, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, तो ये दोनों की तुलना भी की जाती थी। और जब हम थिंकर पढ़ते हैं तो कौटिल्य के बारे में लिखते समय कहीं ना कहीं मैकियावेली के नाम का उल्लेख जरूर करते हैं। तो मैकियावेली ने द प्रिंस नामक एक बुक लिखी जो राजनीतिक पर, पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड थी। इसी प्रकार से फ्रांस में भी कुछ नए नए लोग निकल के आते हैं साहित्य के क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, मॉन्टेन नाम से, रेवेलो नाम से, इन्हें आधुनिक विद्या का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो जॉफ्रे चौसर, इन्हें अंग्रेजी काव्य का पिता या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कह सकते हैं। फिर एक और नाम आता है टॉमस मूर, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा यूटोपिया, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो इतने सारे नाम आपके सामने आए, इनको याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो नाम तो आपको याद ही रहता है, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने तो इतनी ज़्यादा किताबें लिखी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ गुड वीनस, गुल्ली ट्रेवलर्स, रोमियो जूलियट जो इनका प्ले था, हेमलेट है ना, मैकबेथ, तो ये सारे के समय की बातें हैं, रेनेसा यानी रेनेसा हुआ तो इस प्रकार के साहित्य की रचना होती है, जो साहित्य अगर हम इसको एक लाइन में समेटना चाहें मानववादी था,
और यथार्थवादी भी था। यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक था, कल्पनाओं में नहीं जी रहा था, कहीं ना कहीं ये रियलिटी की बात करता है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। तो विज्ञान यानी साइंस, साइंस के लिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो देखें कि साइंस जो था, अब साइंस में क्या होता है और आर्ट में क्या अंतर होता है कि साइंस में यदि परिस्थितियां एक जैसी हो तो परिणाम जो रहते हैं वो समान रहते हैं। ऐसा समझो यदि हम दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वो H2O ही बनेगा, चाहे ये काम भारत में करें चाहे अमेरिका में करें, ये एक जैसे परिणाम होता है। और कला क्या होती है, कला अभ्यास करने पर ये निखरती जाती है, प्रैक्टिस करने पर। तो रोजर बेकन ये उस समय के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रयोगात्मक विज्ञान यानी थ्योरी ही नहीं, थ्योरी का हम क्या करके दिखाएंगे उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, इसकी शुरुआत की। अब कॉपरनिकस ये जियोग्राफर थे, ये कहते हैं पहले ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, मगर इन्होंने बोला कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर चारों ओर लगाती है। ठीक है, साथ ही साथ अब ये धारणा बना भी आ गई थी सामने कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार। तो जो मिथ थे वो टूटने लगे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया जिससे हम दूर ग्रहों के बारे में जानकारी ले पाए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बना दिया। प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो जाती है, बारूद की खोज हो जाती है, कंपास की खोज हो जाती है। इन खोजों ने पूरे मानव दिशा, मानव जीवन की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तो क्रांतिकारी जो परिवर्तन लाया यानी कि ये किसका प्रभाव हो गया, ये जागरण जो पुनर्जागरण था उसका ये प्रभाव हो जाता है, राइट। इसके बाद अब हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक मतलब इसको जोड़ सकते हैं कि शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था में क्या आया, अभी तक जो वहाँ शासन था वो कैसा था, शोषणकारी, लोगों का, आम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। या यहाँ पर कौन सी व्यवस्था हावी थी, सामंतशाही, जिसको फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके स्थान पर ओरिजिनेशन होता है संविधान। संविधान क्या होता है, संविधान को हम कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन, यानी संविधान क्या हो जाता है, सर्वोच्च कानून, यानी रूल ऑफ द लॉ। तो संविधान बनाए गए, संविधान के साथ साथ गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी अब राजपाट की बात नहीं चलेगी, अब कौन सी व्यवस्था आएगी, अब निर्वाचित व्यवस्था आएगी, उससे ये काम चलेगा। तो इनकी स्थापना होती है, इनकी स्थापना होने से फ़र्क क्या पड़ता है कि निश्चित नियम बनाए जाते हैं, कानूनों पर काम होता है। तो जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इन पर बेस्ड होता है, जो क्या करेगा, शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करेगा, जो सामंतशाही को नष्ट करेगा। ठीक, तो मैकियावेली, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा था, द प्रिंस इनकी किताब थी, उसके आधार पर कौन से राज्यों का अंत हो गया, निरंकुश। निरंकुश किसे कहते हैं, ऑटोक्रेटिक जिसे हम कहते हैं, यानी जिसे तानाशाही कह सकते हैं, तो उसका अंत हो जाता है और ये व्यवस्था। तो दीज ऑल आर इम्पैक्ट ड्यू टू रेनेसा या पुनर्जागरण। सो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल लाइफ वो कितनी इफेक्ट करती है। लिखने को तो बहुत ज़्यादा मैटर होता है, बट शब्द सीमा का भी थोड़ा पालन करना पड़ेगा। पुनर्जागरण काल में व्यक्तिगत योग्यता और सामर्थ्य को महत्व मिलेगा। पहले व्यक्तिगत योग्यता की कोई बात नहीं होती थी। क्या होता था, अगर आप एलीट क्लास से आते हो, यानी यदि आपके परिवार में पहले भी कोई राजा के यहाँ मंत्री था, तो आपको भी बड़ी आसानी से वो पद मिल जाएगा। व्यक्तिगत योग्यता को वहाँ महत्व नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि आपका वंश क्या है, अब ये देखा जाएगा कि आप क्या हो। ठीक, तो इसको इम्पोर्टेंस मिला। साहित्यकार, कला, विज्ञान से जुड़े लोग अब समाज में कैसे हो गए, समाज में इन्हें उच्च दर्जा मिलने लगा, इन्हें आदर सम्मान की नज़रों से
देखा जाने लगा और इनके जो कुछ विशेष अधिकार भी विकसित हो जाते हैं। जैसे आज के समय में आप पढ़ते हैं ना कि टीचर शिक्षक समाज का दर्पण होता है, तो कहीं ना कहीं आज भी हम लोग अपने टीचर को रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, बेशक उसके पास मॉनेटरी इतने बेनिफिट्स ना आते हों, लेकिन सम्मान तो उसे मिलता है। तो ऐसे ही ये लोग थे, कलाकार थे, साइंटिस्ट थे, उनकी अब पूछपरख बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धार्मिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा कि पहले जो पूरी डोमिनेंसी थी वो चर्च की थी, इसका ही अधिकार था सारी चीज़ों पर, ये जैसा चाहेगा वैसी धर्म की व्याख्या करता था। लेकिन अब लोग समझने लगे, अब चीज़ों को तर्क पर, नैतिकता पर, साइंस की दृष्टि से देखने लगे, क्वेश्चन करने लगे ऐसा क्यों, तो चर्च की आलोचना होने लगी। धर्म को फिर से रीडिफाइन करने की बात होने लगी कि इसको फिर से परिभाषित कीजिए। जो पहले कहा जाता था कि मनुष्य का जीवन तो पापमय है, बस वो उसको अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो ये मांग उठने लगती है। तो मानव जीवन पर धर्म के प्रभाव में जैसा चर्च चाहता था उस प्रभाव में कमी आती है। और अब बढ़ावा किसको मिल जाता है, धर्मनिरपेक्षता को। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता यानी एक नया एलिमेंट आ जाता है, प्लस सर्वधर्म संभाव। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका धर्म ही श्रेष्ठ है, नहीं, दूसरे के धर्म को, दूसरे के विचारों को भी महत्व मिलता है। तो ये सब चीज़ों से जो अच्छी बातें थी वो सामने निकल कर आती है। ठीक, ये हो गया धार्मिक जीवन पर प्रभाव। इसके बाद और भी कई सारे प्रभाव हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं। मैं आपको सारे प्रभाव बता रहा हूँ, आपको जितने लिखने के लिए याद हो जाए उतने आप लिखेगा। दूसरा कि आप में से जो लोग इसके PDF की डिमांड करते हैं, तो PDF के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग जो क्लास का व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें या ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा मैटर बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है। तो उसको अगर आप चाहते हो तो उसको अपना पेपर पेन लो, नोट कर लो, और PDF रेडी चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि वाणिज्यवादी क्रांति का सूत्रपात होता है। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं कॉमर्स। ठीक, तो कॉमर्स यानी व्यापार वाणिज्य, इसमें भी अभूतपूर्व परिवर्तन आए। कैसे परिवर्तन आए कि पहले जो सिस्टम था ना, जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि आपके पास एक वस्तु है वो आप दूसरे को दे दो और दूसरे के पास जो वस्तु है वो आप ले दो। लेकिन अब उसके स्थान पर करेंसी, मुद्रा आ जाती है। मुद्रा आ जाती है तो उसका प्रयोग बढ़ता है, और मुद्रा किसी राजा ने नहीं, ये सबसे पहले व्यापारियों के द्वारा ही चलाई गई। ठीक, तो व्यापारियों ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने देश की सीमाओं के बाहर भी, यानी विदेश व्यापार पर भी वहाँ पर जोर दिया। तो ये सब परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला बौद्धिक प्रभाव यानी इंटेलेक्चुअल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, कि जन सामान्य में, आम लोगों में तर्कबाधिता। तर्कबाधिता यानी कि ऐसा है तो क्यों, ऐसी चीज़ें, यानी हर चीज़ को कसौटी पर मापा जाने लगा, तो एक प्रकार से बौद्धिक जागृति उनके अंदर आती है। अगला आता है राष्ट्रीयता की भावना, ये भी इसका एक प्रभाव है। राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ, जब आप समझ गए कि हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, देश हमारे लिए ये करता है, तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश हित में इन सब चीज़ों की बात करें। तो यूनानी और लैटिन भाषाओं से प्रभावित होकर के उनमें भी अपनी भाषा के विकास के लिए आंदोलन चलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो इतने सारे प्रभाव में आप आसानी से अपने आंसर को समेट सकते हैं। अगला टॉपिक है कि ये जो रेनेसा था सबसे पहले इटली में ही क्यों, किसी अन्य देश में क्यों नहीं हुआ। अगर कहीं उन्होंने पूछ लिया, जैसे उनका क्वेश्चन होगा कि पुनर्जागरण क्या है, इसके कारण बताएं, और इटली में ही इसकी शुरुआत क्यों हुई, इस पर भी अपने विचार रखें या इसको स्पष्ट करें। ठीक, तो जो क्या है ये हम बता देंगे, कारण क्या थे वो बता देंगे, अब इटली में क्यों स्टार्ट होता है वो और समझना है। ठीक, तो पहला इसका कारण है इटली में प्रारंभ होने का,
कि जो तुर्क थे उन्होंने यूनानियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए तो जिससे क्या हुआ, यूनान के जो लोग थे, जो वहाँ के थिंकर थे, जो वहाँ के फिलोसफर थे, वो तुर्क को छोड़कर यानी कुस्तुनतुनिया को छोड़ करके कहाँ आ गए, इटली में आ गए। जब वो इटली में आ जाते हैं, चूँकि ये लोग विचारक थे यानी नॉलेज था, फिलोसफर थे, इनके पास ज्ञान था, तो अपने ज्ञान को यहाँ इटली में फैलाते हैं। तो इटली में फैलाया, एक ये अपॉर्चुनिटी हो गई इटली के लिए। सेकंड फिर क्या रहता है कि इटली के जो राज्य थे दो प्रमुख, एक रोम और दूसरा था फ्लोरेंस, तो इन दोनों राज्यों ने यानी तुर्की से कुस्तुनतुनिया से पलायन करके यानी वहाँ के अत्याचारों से पीड़ित होकर के जो लोग आते थे उनको यहाँ शरण दे दी, यानी उनको यहाँ रहने के लिए आसानी से जगह उपलब्ध हो गई। तो ये एक प्रकार से सेंटर बन गए उन विचारों के। ठीक, इसके बाद अगला कि यहाँ पर क्या होता है कि पोप थे निकोलस फिफ्थ, इन्होंने इन विचारकों का, इन थिंकरों का खुले मन से स्वागत किया, यानी इनको यहाँ रहने के लिए आश्रय प्रदान किया, इनकी सहायता की तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर ज्ञान का केंद्र बन गया, बहुत विशाल लाइब्रेरी खोल ली गई और इससे विचार आसानी से एक से दूसरे में फैलते जाते हैं। और कारण लिखना चाहे तो कौन लिख सकते हैं कि इटली में यूनानी और लैटिन साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। जब ये साहित्य ज़्यादा बढ़ता है तो साहित्य के अंदर जो विचार थे उन विचारों ने एक प्रकार से क्रांति, यानी माहौल जो था वो बहुत ही फेवरेबल था इटली में इस पुनर्जागरण के लिए किसी भी अन्य देश की तुलना में उस समय। तो ऐसे कुछ कारण दे करके हम यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो अब आज के लिए इतना, आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें पुनर्जागरण नहीं, उसमें अब हम बताएंगे औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके पीछे क्या कारण थे, उसके क्या प्रभाव थे। तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा जो कि दूर दराज के क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनको ये पूरा वीडियो देखते हुए पेपर पेन लेकर के नोट डाउन कर लेना चाहिए। दूसरे वे लोग जो क्लास अटेंड कर सकते हैं तो उनको क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वो जो माहौल मिलता है वो, ये जो कम्युनिकेशन है ये वन साइडेड हो गया, यानी यहाँ पर सिर्फ आप सुन रहे हो, आपके आंसर जो है यहाँ तुरंत नहीं मिल पाते हैं। तो जिनके पास ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी जो क्लास है इंटीग्रेटेड चलती है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, दोपहर के 2 बजे तक प्रीलिम्स और मेंस को लेकर ये रहती है। इसके बारे में यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 9111225545, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ईमेल कर सकते हैं katareinstituteofcivilservices@gmail.com पर। सो बस आपका सपोर्ट ये कि लाइक करें, इसको शेयर करें और आपके जो भी डाउट हैं उनको कमेंट करें, तो अगली बार हम आपके उन कमेंट के आंसर भी देंगे, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।